कॉलर हैं उमा जी दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपको उमा जी। हाँ जी मैम, एक तो मुझे अपने बारे में पूछना है और एक अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी हाँ जी, एक तो ना मेरे को ना माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और एक ना पेट में मेरा बड़ा दर्द रहता है, ऐसे लगता है जैसे पेट ना कांप रहा है। कुछ खाते ही मुझे जाना पड़ता है और ना मतलब कुछ खाते ही ना पेट में इतना दर्द होता है कि बस पूछो ना, सारा दिन भारीपन रहता है। उम्र बता दीजिए अपनी। मेरी 53 है सर। अच्छा 53 साल। हाँ जी, और शुगर भी है मुझे। ठीक है, आपने कोई सोनोग्राफी कराई, पेट के मायना कराया? नहीं वो तो नहीं करवाया, ये प्रॉब्लम मुझे अभी कुछ ही दिनों से है, मतलब 1-2 महीने से है। ठीक है, अब हस्बैंड की बात बताइए। और मेरे हस्बैंड को ना एक तो हार्ट की प्रॉब्लम है और उन्हें शुगर है और आजकल ना उनकी सांस फूल जाती है, वो थोड़ा सा भी चलते हैं ना बड़ी वीकनेस महसूस हो रही है। अच्छा, आप दोनों हेल्दी हैं? मेरे हस्बैंड ज़्यादा हेल्दी हैं, मेरा तो वेट 58 है और उनका होगा 75-85 के आसपास। अच्छा देखिए, अपने हस्बैंड को गर्म पानी पिलाया करिए एक दिन में 5 बार, ये उनके लिए दवाओं से भी अच्छा है। और शुगर, हार्ट प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल, इसके लिए मैंने अभी एक नुस्खा बताया था, आप अगर देख रहे थे चैनल, देखिए लीमू का जूस निकालिए, अदरक का जूस निकालिए, लहसुन का जूस निकालिए और जैतून का सिरका मिलता है, ज़रा मुश्किल से मिलेगा लेकिन जैतून का ही सिरका लिए, इन सबको हम वजन यानी बराबर 1-1 लीटर सबको लीजिए, मिला दीजिए और इसके 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच शाम को खाने के बाद। ये एक तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देगा, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देगा, होगा तो खोल देता है। अच्छा नुस्खा है ये, काफ़ी भरोसे का नुस्खा है ये, उनको शुगर को कंट्रोल करेगा। वो दवा भी खाते रहें जो शुगर की खाते हैं, लेकिन ये शुगर की दवाओं के नुकसान को रोक लेगा और आपके हस्बैंड का वज़न भी कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा और बड़े अच्छे नतीजे आते हैं इसके। आप बना लीजिए और शौहर को दीजिए, आपको भी तसल्ली रहेगी कि आपने कोई दवा बना के अपने हस्बैंड को दी है। आपके जो दर्द होता है, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी सोनोग्राफी ज़रूर कराएं। ऐसी कैफियत में अक्सर पथरी पित्ते में हो जाती है, ये उम्र और ये मर्ज़, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना सोनोग्राफी करा लें, उससे पता चल जाएगा कि पथरी है कि नहीं है। पथरी हो तो फिर उसका इलाज करना है और एसिडिटी हो तो एसिडिटी की दवा से चली जानी चाहिए। ये कैफियत पथरी होने की अलामत है मेरे तजर्बे के मुताबिक। अगर नहीं है पथरी तो फिर आपके लिए बहुत खुशी की बात है, आप 1 चम्मच अलसी भून के रखें, अलसी को लेकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम चबा के खाएं, पाउडर बना के खाएं गर्म पानी से। दोनों लोग गर्म पानी पिया करें एक दिन में 5 बार, तो आप दोनों सेहतमंद रह सकते हैं। हमारे साथ अशोक जी हैं बंगाल से, स्वागत है आपका। जी हेलो, नमस्कार हकीम साहब। आदाब अशोक जी, बताइए क्या सवाल है। जी हकीम साहब, मेरा दरअसल घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और इसके लिए कोई इलाज है तो बता दीजिए। कितनी एज कितनी है आपकी अशोक जी? मेरी एज है 52 ईयर्स। अच्छा देखिए, एक घरेलू इलाज ही है। देखिए एक गोंद आता है, जैसे आप तरह तरह के गोंद समझते हैं, हींग भी एक गोंद है, जो हींग आपके यहाँ इस्तेमाल होती है, कीकर का गोंद इस्तेमाल होता है जो महिलाएं डिलीवरी के बाद खाती हैं, और एक गोंद आता है, आप लिख लीजिए उसे, गोंद स्याह यानी काला गोंद, गोंद स्याह एक कड़वा गोंद है, बाकी गोंद कड़वे नहीं होते, फीके होते हैं या कसेले होते हैं, लेकिन ये गोंद स्याह मतलब काला होता है और कड़वा होता है। और ये खुराक आपको ऐसे 10-11 रुपए रोज़ की खुराक पड़ेगी, ये आप ले लीजिए गोंद स्याह, ये मटेरियल है रॉ मटेरियल, इसका पाउडर बनाइए कूट कर पीस कर जैसे भी ग्राइंडर में, और आधा ग्राम सुबह नाश्ता करने के बाद
और आधा ग्राम शाम को आप इसे पानी से, जूस से या बगैर चर्बी के दूध से, जैसे आपके हालात हैं। आप गरीब हैं तो पानी से भी फ़ायदा करेगा, और जूस पीने के आपके हालात हैं तो उससे भी फ़ायदा करेगा, आप दूध पीने के हालात हैं उससे भी फ़ायदा करेगा। और ये आप अगर 100-150 ग्राम ले लेंगे तो ये ख़त्म होने तक या उससे ही पहले आपकी बीमारी का ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए, आपकी बीमारी का ठीक होना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको ये उपचार करने होंगे। चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ गुलफाम शेख अमरावती से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी। हेलो, बताइए। जी, मैं गुलफाम शेख बोल रहा हूँ अमरावती से। जी। मुझे हकीम साहब से पूछना था कि सर, मुझे यूरिक एसिड का काफी प्रॉब्लम है, उसके कारण अभी बोन्स में काफी दर्द होना स्टार्ट हो गया है कुछ टाइम से। मेरी एज 24 है। ठीक है। अच्छा, देखिए, जिन लोगों को भी यूरिक एसिड की परेशानी है तो वो खट्टी चीजें खाना बंद कर दें। चाहे आम खट्टा हो तो नहीं खाएं, मीठा हो तो खा लें। दही खट्टा हो तो नहीं खाएं, मीठा हो तो खा लें। यहाँ तक के नींबू, आम का अचार, ये सब छोड़ दें तो बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। और ये एक फंक्शन है, जो यूरिक एसिड हमारे जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वही हमें तकलीफ़ देने लगता है, और हमारे जोड़ों पर जाकर ये एसिड एक नमक के किस्म का होता है, वो बैठ जाता है। तो एक घरेलू इलाज है, देखिए, अलसी लीजिए 400 ग्राम, 400 ग्राम अलसी खरीदें, साफ सूफ करें और हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और इसमें गौन मोरिंगा आता है, थोड़ा महंगा आता है। गौन मोरिंगा एक रॉ मटेरियल है, इसको आप 100 ग्राम मिला लें, ये पाउडर मिक्स कर लें आपस में, और सुबह खाने से पहले या खाने के बाद एक छोटा चाय का चम्मच खाएं रोज़ाना, और बहुत ज़्यादा बीमारी हो तो शाम को भी एक छोटा चाय का चम्मच पानी के साथ लें, गर्म पानी हो तो बहुत बेहतर है। ये जितने मटेरियल मैंने आपको रॉ मटेरियल बताया, इसके ख़त्म होने तक या उससे पहले आपका बीमारी का ठीक होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं रश्मि जी दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हेलो जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना है सर से कि ना, मेरे ना पेट में बड़ी दिक्कत रहती है, मैं जैसे ही खाती हूँ मुझे मोशन जाना पड़ता है, और ना ऐसे लगता है जैसे ना पेट में स्वेलिंग होती है, सारा दिन दर्द रहता है जी। कोई सोनोग्राफी कराई आपने, मायना कराया आपने? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। ये मुझे ना एक महीने से प्रॉब्लम हुई है, और मुझे शुगर भी है। ठीक है, ठीक है। कम उम्र में शुगर हो गई आपको, और अगर अपना चेकअप करा लें तो बहुत अच्छा है। और देखिए, शुगर का इलाज आप करते होंगे, और शुगर वाला पेशेंट को पेट में प्रॉब्लम भी रहती है। एक इलाज है अगर आप कर लें, देखिए, सिरके आपने बहुत देखे होंगे, सेब का सिरका, गन्ने का सिरका, अंगूर का सिरका, सब आते हैं। एक सिरका आता है जैतून का सिरका, जैतून यानी ऑलिव ऑयल आता है ना, तो ये ऑलिव का सिरका आता है। ये आप रात को सोते समय 2 या 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और पीकर सो जाया करें, आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगा और पेट में भी बहुत फ़ायदा करेगा आपको। आप इसे लेके देखें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।
तो चलिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है दर्शकों। देखिए, तभी तो आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़िए, आप लोग घरेलू उपचार अपनाइए। जहां आप लोग सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक चुके होते हैं और तब भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, ना जाने कितने रोग आपके शरीर को जकड़ लेते हैं। तो अगर आप लोग हकीम साहब जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर्स आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको संपर्क साधना है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ रमेश जी हैं मुंबई से, स्वागत है आपका। हेलो जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, मेरी एज जो है 43 है और मेरे बाल बहुत झड़ने लगे हैं जी। नजला वगैरह? नहीं, नजला कुछ नहीं रहता, बाकी सेहतमंद हूँ, बस बाल झड़ रहे मेरे। ठीक है, तो देखिए मैंने भी तकरीबन 20-22 साल महाराष्ट्र में गुजारे हैं और देखिए मैं बुढ़ा आदमी हूँ और मेरे सारे बाल ओरिजिनल हैं और वहाँ महाराष्ट्र में मुझे भी ये परेशानी हो गई थी कि मेरे बाल गिरने लगे थे। तो वहाँ पर जगह जगह पर हर गली पे नुक्कड़ पे नारियल पानी मिलता है, मैंने रोज़ पीना शुरू किया और मैं तो बहुत ज़्यादा पीता था। आप एक नारियल पानी रोज़ाना पिया करें, आपके बाल झड़ना बंद हो सकते हैं। आप ये कोशिश करें, एक घरेलू उपाय है, आप करके देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं राजेश जी दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका राजेश जी। थैंक यू मैम। जी बताइए, प्रश्न कीजिए। मैम मेरी बेटी की ना बहुत तबीयत खराब है मैडम जी। तो टीवी है सर मैडम जी, एक बार दोबारा बताइए। मेरी बेटी है पूर्णिमा, 15 साल की बेटी मैडम, उसको टीवी है जी। तो वो लेटती है तो मैडम खांसी बहुत उठती है, उसको बैठने से सारी हर रात बैठी रहती है, कितने दिन हो गए बैठे बैठे मैडम। ठीक, डॉक्टर कहते हैं पेट में पाइप डाल के ना हवा निकालेंगे, पानी निकालेंगे। मैडम बहुत कमजोर बच्ची है मेरी। ठीक है, हेलो जी। जी मैं समझ गया और आपकी तकलीफ मैं महसूस कर सकता हूँ। देखिए, टीबी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है और जो आप इलाज कर रहे हैं वो छोड़ें नहीं। और अगर पेट में से पानी निकालने की ज़रूरत पड़े तो वो भी निकलवाएं, वो बेहतरीन इलाज है। और एक घरेलू नुस्खा ये साथ में देना शुरू करें। देखिए, हम लोग गाँवों की ज़बान में कहते हैं लिसोड़ा। लिसोड़ा आप समझ सकते हैं, वरना लिसोड़ा लिख लीजिए। लिसोड़ा आप लिखेंगे और फिर सर्च करिए अपने सेल फोन में, लिसोड़ा कैसा होता है, आपके सामने आ जाएगा। खुल के सस्ता आता है, लिसोड़ा खरीद लीजिए, थोड़ा सा 100-200 ग्राम, और ये गोल गोल वो होते हैं, पीस होते हैं, ये एक चम्मच में जितने आए, छोटे चाय के चम्मच में, इसे 1.5 गिलास पानी में भिगो दे थोड़ी देर, फिर आधा एक घंटे बाद इसे उबालें और इतना उबलने दे कि पानी आधा रह जाए। और ये बच्ची को दिन में एक बार कम से कम ज़रूर पिलाया करें और अपने डॉक्टरों को फॉलो करें, जो उनको इंजेक्शन या दवाई चल रही वो ज़रूर दें, और अगर पानी निकालने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर निकलवाएं, उससे बहुत आसानी हो जाएगी और ये लिसोड़ा उनके अंदर दोबारा से टीबी नहीं पनपने देगा और सेहत अच्छी हो जाएगी, बुखार में कमी करेगा। और ये भी आप जारी करें और अपने डॉक्टर को फॉलो करें। बिल्कुल राजेश जी, परेशान होने की बात ज़रूर है, लेकिन जो बातें आपको यहाँ पे अभी हकीम साहब जी ने बताई हैं उन बातों को आप फॉलो कीजिए और जो आप डॉक्टरी परामर्श ले रहे हैं वो भी चीज़ें आप फॉलो अवश्य कीजिएगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संयम आपको अवश्य रखना होगा। हकीम साहब जी आप सभी से जुड़े हुए हैं और आप सभी भलीभांति ये जानते हैं कि बहुत व्यस्त रहते हैं और कामयाब हकीमों में से एक जो आपके सभी रोगों का निवारण बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीधा घरेलू उपचार बताए जाते हैं, आपके किचन से आप लोगों को जोड़ा जाता है, आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, यूनानी पद्धति से आप लोगों को जोड़ा जाता है। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं।